पहले मंदिर में रहते थे कहाँ पे? नीचे उन्हें बाबा के मजार है वही। वो बंद हो गया कब से? अभी कल से। तो अभी खाने का क्या इंतजाम है? वही थोड़ा सा पानी पिए और बछाता देता है और सिगरेट बीड़ी और कुछ नहीं देता शाम। तो अभी आगे क्या करेंगे? 20 दिन बंद रहेगा? चुप। अभी 20 दिन बंद रहेगा, क्या करेंगे? चोरैया बंद हो गया, अब ना पुलिस आता है तो हम लोग जो है नौकरी करने में सुबह 6 बजे से 2 बजे तक है। हम लोग को नौकरी करने में दिक्कत होती है, परिवार कहाँ खाना खाने जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद है। क्या करते हैं आप? हम सफाई कर्मचारी नगर निगम का। तो अभी रोज सुबह 6 से 2 कर रहे हैं जी। तनख्वाह मिल रहा है टाइम पे? तनख्वाह मिलता है टाइम से। कितना मिलता है? यही 18,000 के लगभग मिलता है। और जो कि इस परेशानी तो हम समस्त बनारस सब भाई लोगों के लिए ही है और पूरे भारत में ये चीज़ चल रहा है जिससे कि हम सबको बहुत दुख है। आप सुबह 6 से 2 करते हैं, आपके पास ग्लव्स है? हाँ, ग्लव्स है। वो है? हाँ, नाक में है? हाँ, लगाते हैं। नाक में मास्क भी है? हाँ, नहीं ठीक है, लगाने की जरूरत नहीं है, हम बस पूछ रहे हैं ना। बाकी लोगों का भी नौकरी है? सबका जी, है जी, डब्बा नहीं ये जो सफाई बस्ती है। किसका नहीं है? लोग का, हम लोग का नहीं है। आपका नहीं है? उनका भी नहीं। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? करते हैं तो अभी 2-3 दिन से बंद है। कितना कमा लेते हैं आप? 100-200-400-500 कमा लेते हैं, खुला रहता है, खुला है, बैठे हैं घर। तो अभी 20 दिन आप नहीं कमा पाएंगे ना? नहीं, पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत है, क्या करते हैं? बहुत दिक्कत है, सही कर रहे हैं। 20 दिन तो नहीं कमा पाएंगे। तो 20 दिन नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा घर? भगवान के ऊपर है, ऊपर वाला है। अभी तो मंदिर मस्जिद भी बंद है भाई साहब। हाँ, एकदम। तब हम लोग भैया खाल पराठी वाले इंसान है, भैया खाते हैं। आप क्या करते हैं? वही नगर वही ड्यूटी करते हैं, वही खाल पराठी लेकर घूमते हैं हम लोग, नाली पे खाना खोलते हैं हम लोग, जो भी काम मिले करते हैं हम लोग। प्राइवेट में करते हैं आपके सरकारी? प्राइवेट में करते हैं। तो अभी तो सब बंद हो गया ना? सब बंद हो गया भैया, हम लोग को काम धंधा भी नहीं मिल रहा, लड़के बच्चे लोग देख रहे हैं। कुछ जैसे जितना आप करते हैं उससे कुछ बचत हो पाता है आपका? नहीं, बचत नहीं हो पाता है, और चले जाता है, और दूसरे लोग तो भीख टुकड़ा मांग के हम लोग पूरा करते हैं। कितने समय से कर रहे हैं आप? अरे कितने समय देख ले, जो उम्र हमारा कितना हो रहा, जब तो संभाले तब से कर रहे हैं। 22 तारीख से हम लोग प्रधान है सर, राशन किसान कुछ नहीं, राशन का दुकान वाला कुछ नहीं। 22 तारीख से सब बंद है, काम धंधा सब बंद है, कुछ नहीं मिल रहा, नहीं जुल रहा है। राशन आपको मिलता है ऐसे? कहाँ मिल रहा है, ऐसे पहले मिलता था? हाँ, पहले मिल रहा। कितना मिलता था महीने में? महीने में हम लोग किन लेते 5 किलो चावल है, 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो कड़ुआ तेल, सब ले लेते हैं मजदूरी करके, अपना अपना ले लेते। नहीं नहीं, राशन के दुकान से? हाँ, राशन के दुकान से। कंट्रोल वाले पूछे थे कितना? नहीं, कंट्रोल तो हम लोग को नहीं मिलता। नहीं मिलता? नहीं, हम लोग किन के खाते हैं? कंट्रोल तो हम लोग को नहीं मिलता, किन के खाते हैं? कार्ड भी नहीं है जी? नहीं, कुछ भी नहीं है। वोटर कार्ड तो बना होगा वोट देने के लिए? आधार कार्ड नहीं, उनको सिर्फ वोट से ही मतलब है। हम लोग समस्त गरीब व्यक्ति कैसे जिएंगे, कैसे रोटी खाएंगे, बच्चों के कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, किस तरह हम अपने बच्चों के भविष्य। लेकिन आप लोग का जो BPL कार्ड नहीं बना है? जी नहीं, 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 कोई कार्ड नहीं बना है। जब सर्वे होता है तो कुछ लोग मौजूद रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं सर। बात ये अब तो बंद हो गया, परिवार में लड़के बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं, हम ही एक आदमी है जो कि नौकरी करते हैं, लेबर मजदूरी रोज करते हैं, रोज कुआ खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। तो मान लीजिए 1 महीना नहीं करेंगे, लग गया तो ये कहाँ जाएंगे? राशन भी नहीं है। तो सरकार तो अनाउंस कर रही है न्यूज में कि ये सब देंगे, राशन देंगे। अरे कहाँ बांट रहे हैं? करने के लिए तो बहुत 22 तारीख
लेकिन पूरा आज 25 तारीख हो गया। जैसे आप निगाह दौड़ा के देखिए कितनी बड़ी बस्ती है, एक बार इनकी कर्फ्यू लग जाएगा तो ये कहाँ, कितने लोग हैं बस्ती में? कम से कम बहुत ज्यादा होगा, पर 10-10 हजार सब मिला के। अधिकतर लोग, अधिकतर लोग सफाई कर्मचारी हैं। पूरी बस्ती हम लोग यही कहना है तो कम से कम इस गरीबों को, इस बच्चों पर ध्यान दे लो, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। मान रहे पिताजी का तनख्वाह है तो मिलेगा 2 महीने बाद ना मिलेगा, अब हर रोज कहाँ से आएगा। दुर्गापुर पदमश्री हरजन बस्ती यहाँ पर है। कितने सफाई कर्मचारी नगर निगम में? अरे ज्यादा नहीं होंगे, होंगे 200-400 होंगे बस, इससे ज्यादा। और प्राइवेट में कितने हैं? प्राइवेट में वही सब लड़के बच्चे करते हैं। हमारे कह रहे हैं कि जो आलू साला बताइए 200 रुपया किलो बिक रहा है, मर्चा बिक रहा है, आलू जो साला जमाने का सड़ा हुआ आलू निकाल के बेच रहे हैं, हर सब्जी निकाल के बेच रहे हैं, इसमें क्या फायदा है बताइए। गरीब रोज कहाँ 500 की सब्जी खरीदेगा, 10 बच्चे खिलाएगा, खिला पाएगा? कभी नहीं खिला पाएगा। वो मर जाएगा या तो साला फांसी लगा लेगा या तो साला चेहरे खा के मर जाएगा। 20 दिन का भी आपके पास बचत करने है पैसा? अभी देखिए, अभी लेबर ही करके आ रहे हैं, ये देखिए 200 रुपया अभी कमाया, बताइए 200 रुपया कहीं चलेगा, 20 दिन चलेगा? नहीं चल सकता है। क्या सरकार का यही आपत्ति है तो भाई, गरीबों का मरा ना अमीरों का, सही है भाई, जिनके पास है तो ले लेंगे, खा लेंगे। भीड़ नहीं इकट्ठा कीजिए इधर, आपने कह दिया। आपका नाम क्या भाई? श्यामबली चौधरी। हमारे कहने का मतलब, हम भी सरकार पर बैठे रहते तो हम भी निगाह दौड़ाते, पहले गरीब को दौड़ाइए, अमीर को दौड़ा के क्या करेंगे, जिनके पास तो भरा ही है। अभी मैंने आपका अभी मांग क्या है, मैंने राशन का व्यवस्था करना चाहिए। हमारे मांग ये है कि राशन का देखिए, इन लोगों को सुरक्षित दीजिए भाई, अभी लोग कहीं जा रहे हैं पुलिस वाले मार दे रहे हैं, 4 लोग मरा गए, उनका पैर टूट गया, बताइए वो हॉस्पिटल में जाएगा? क्यों मारे? पुलिस वाले का भाई अलाउ हो गया है, छूट मिल गया कि अब मारिए जिसको भी, बाहर रोड पर ना देखने जाए। अरे यहाँ पर 5-6 लोग खड़ा मत रहो, नहीं तो हमको भी पड़ जाएगा पहले। थोड़ा सही कह रहे हैं तो थोड़ा दूर दूर हमारे सामने वीडियो कॉलोनी में हमारे स्टाफ 4 लोग मराए हमारे सामने, बताइए वर्दी पहने, वर्दी का कहाँ है, उसके साथ मार दिए, उसके साथ भी मारे हैं, बताइए कहाँ पे लोगों को, वीडियो कॉलोनी गई भी सुदामा। क्या नाम है आपका? प्रेम नाम। क्या कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी तुम सब्जी लेकर आ रहे हैं। कितना दूर गए? कम से कम 3 किलोमीटर दूर गए थे। अच्छा, आप क्या करते हैं ऐसे? हम तो नगर निगम, हम लोग हैं नगर निगम सफाई कर्मचारी। तो आपका 20 दिन का इंतजाम है? क्या किया जाए, करना ही होगा हम लोग को भी। आप बने नगर निगम में नौकरी करते हैं, तो जो नौकरी नहीं करता है वो कैसे कर पाएगा? तो उसके लिए सरकार ध्यान दे, राशन किसान सरकार। अभी तो राशन का कोई इंतजाम हुआ है क्या? राशन किसान तेल कुछ के बाद परिवार भूखा मर के रोड पर सोए रहेंगे, ऐसी बखत आ गया। प्रधानमंत्री ने बनारस के 5 लोगों को बतियाए भी, प्रधानमंत्री आज बना के 5 लोगों ने पीपी न्यूज को बतियाए। बतियाए हैं तो ठीक है, लेकिन राशन पहुंचा? राशन नहीं पहुंचा। बतियाने से क्या होता है, बतियाने में तो सब आगे। हमारी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है, सरकार सिर्फ अपनी बेसिक तो यही मांग है ना कि सबको खाने को पीने को मिल जाए, तेल मिल जाए, खाना मिले, चावल आटा दाल यही सब। पहले भी राशन कार्ड से तो मिल नहीं रहा लोग, कुछ के पास नहीं है, जो गरीब उसके पास राशन कार्ड नहीं है बड़े भैया।